हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैनोमीटर्स है उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स का पोर्शन लेके आया हूँ। तो जो पहला जो आज मेरा वीडियो है पार्ट फर्स्ट यूट्यूब मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो मैं आज के भी जो वीडियो में बताने वाला हूँ पहले तो इसका फॉर्मूला समझाना पड़ेगा डायग्राम सहित, और इसकी है ना, इसके बाद इसके जो फॉर्मूला बताएंगे उस पर बेस न्यूमेरिकल बताएंगे। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें और हमारे जो आने वाले वीडियो को देखते रहें। इसके अलावा मैं बता दूं, मैं आपको एक मैनोमीटर के नाम से और फ्लूड मैकेनिक्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें जाके आप देख लें किस, या फिर फ्लूड मैकेनिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें अभी तक फ्लूड मैकेनिक्स के जितने भी वीडियो डाले हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। और सेपरेट अगर ये मैनोमीटर की आपको प्लेलिस्ट में देखना तो मैनोमीटर के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के। जैसे कि हम जानते हैं मैनोमीटर का यूज, जो हमारा मैनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूज प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है। किसी फ्लूड, जब फ्लूड क्या बैलेंसिंग में होता है किसी कॉलम में या मैनोमीटर में, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हमें प्रेशर मेजर करना होता है तो हमारा मैनोमीटर का यूज किया जाता है। अब ये होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर भी टू या थ्री टाइप का होता है, पिजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और नेक्स्ट क्या है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो आज पहले मैं लेकर आया हूँ सिंपल मैनोमीटर। तो पहले इसकी थ्योरी और डायग्राम समझ लेते हैं। ऐसा क्या होता है, एक यू आकार का किस शेप में एक ग्लास की ट्यूब को बेंड किया जाता है, जिसका वन एंड में एक कनेक्टेड अ पॉइंट एट विच प्रेशर टू बी मेजर्ड, एक पॉइंट कनेक्ट किया जाता है जिस फ्लूड का अपन को, जैसे ये कनेक्ट है यहाँ पर, इसको क्या करना, प्रेशर मेजर करना है। एंड अदर जो हमारा पार्ट रहता है या लिम्प रहती है, अदर एंड रिमेंस ओपन टू बी एटमोसफेयर, जिसको क्या करते हैं एटमोसफेयर में ओपन रखते हैं। ट्यूब जनरली कंटेन मरकरी, मतलब जो जिसमें जो लिक्विड जनरली यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मरकरी होती है, जो कि की थी वाटर से 13.6 गुना भारी होती है, वजनदार होती है। यानी अदर लिक्विड हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी टू द लिक्विड हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, है ना। इसकी तुलना में जो लिक्विड यूज कर रहा है उसकी तुलना में जो भी अपन इसमें लिक्विड यूज करेंगे उसको कैसा होना चाहिए, इससे वेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्या करते हैं, टू टाइप के प्रेशर, एक तो गेज प्रेशर मेजर करता है, ये दिख रहा है क्योंकि, है ना, ये क्या है, वैक्यूम प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। अब दोनों के अपन फॉर्मूले देखेंगे, गेज प्रेशर वैक्यूम प्रेशर क्या होता है ये आप देख लेंगे। गेज प्रेशर में क्या होता है, जब कभी एटमोस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या नीचे का प्रेशर मापा जाता है तो इसे गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर का जो हमारा पॉइंट होता है जहां से मापते हैं वो, उसको हम शून्य मानते हैं, जिसे अपन एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसलिए इसे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानकर, शून्य मानकर बनाए गए जो हमारा गेज है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेशर, जो गेज प्रेशर मीटर कहते हैं, ठीक है। इस तरह वैक्यूम प्रेशर क्या होता है ना, वैन ऑफ प्रेशर, वैन ऑफ प्रेशर इज बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे जो प्रेशर जो मेजर करते हैं उसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। इट इज मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ वैक्यूम गेज या यूट्यूब मैनोमीटर्स, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए ये जो है इस पर, यहाँ पर माना मैंने प्रेशर पी है, पी वी है, ये क्या डेटम लाइन है जहाँ बैलेंसिंग के बाद हमारा लिक्विड फ्लो, ये क्या माना H1 इसकी जो हाइट, और जो हमारी मरकरी है जहाँ तक भरी हुई है ओपन एंड है, इसको लेफ्ट लिम्प माना, इसको राइट लिम्प माना, इसकी हाइट कितनी H2 है, ठीक है। पहले गेज प्रेशर की बात कर लेते हैं, है ना, ऐसे लिखा है लेट बी द पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर हुज वैल्यू इज पी, मतलब यहाँ पर प्रेशर मेजर करना है, इसकी वैल्यू पी मानी। क्या करते हैं, इसमें जो लिक्विड रहता है ये पुश करता है किसको, मरकरी को। अब जितना भी पुश करता है जितना इसका प्रेशर होता है वेट होता है वो ऊपर की ओर जाता है, फिर इसके बाद ये बैलेंसिंग में आता है, तब अपन इसकी जहां तक ऊपर तक बैलेंसिंग में आता है उसकी हाइट और इसकी हाइट मेजर करते हैं, ठीक है। दस लिखा हाइट ऑफ द लाइट लिक्विड एबव द डेटम लाइन, जो डेटम लाइन से ऊपर के जो लाइट लिक्विड है उसकी माना H1 है, हाइट ऑफ द हैवी लिक्विड एबव द डेटम लाइन इसकी H2 मानी है, जो कि हैवी लिक्विड है जिसकी जो वाटर से कितने गुना भारी है 13.6। H1 का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड, ठीक है, जो लाइट लिक्विड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या मानी है H1। रोवन का डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे निकालते हैं, जैसे ये जैसे माने स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जैसे मान लो वाटर की या कोई भी लिक्विड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या करते हैं 1000 का इंटू कर देते हैं, डेंसिटी आ जाती है kg/m³, ठीक है। ऐसे ये दूसरा जो मरकरी है
या फिर कोई और लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी निकालना, तो क्या डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड इनटू जो भी दी हुई क्वेश्चन में इनटू 1000 के इनटू कर देंगे तो ए वी केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं, जो लेफ्ट लिम्ब पे प्रेशर है इसका इनटू क्या करते हैं राइट लिम्ब प्रेशर, तो उससे अपना पहले क्या करेंगे जो पी पे जो प्रेशर है तो पी भी हो जाएगा प्लस इसका जो प्रेशर है जो हाइट एच वन दी है ये क्या हो जाएगा रोजी एच वन इजकल टू रोजी एच टू। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिखाते हैं और समझाता हूँ मैं। ठीक है, एट द प्रेशर इज द सेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस हेंस प्रेशर अबव द हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन ए, जैसा मैंने बताया हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन उसके ऊपर अपन देखते हैं लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में, तो अपन देखते हैं प्रेशर अबव ए इन द लेफ्ट लेफ्ट कॉलम का जो मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा पी पी वी लिख सकते हैं या पी लिख सकते हैं प्लस रो वन इंटू जी इंटू एच वन। ठीक है, अब ये कैसे आता है ये अपन जानते हैं, ये क्या पी तो अपने जो अंदर उसका सेंटर है उसका प्रेशर हो गया, मान लो इसका बता देता हूँ इसके अंदर का पी वन हो जाएगा और जो इसमें जो लिक्विड हो उसका रो जी एच वन हो जाएगा और जो ये मरकरी इसका रो जी एच टू हो जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं ए प्रेशर कैसे होते हैं, प्रेशर अपन जानते हैं प्रेशर हेड एच इजकल प्रेशर हेड एच इजकल टू होता है पी अपॉन डब्लू, तो अपन पी इजकल टू निकालेंगे क्या हो जाएगा एच इंटू डब्लू, डब्ल्यू क्या होता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट इजकल टू क्या होता है रोजी, इसलिए अपन इसको क्या लिख देते हैं रोजी मतलब होता है डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट, एच क्या होता है हेड, है ना जैसा मैंने बताया हेड इजकल टू होता है पी अपॉन डब्ल्यू, तो ये क्या होता है प्रेशर के बराबर है, याद रहा है क्या होता है स्पेसिफिक वेट इंटू हेड, इसलिए इसको प्रेशर से रो वन जी एच वन। ठीक है, इस तरह ये दूसरे का हो जाएगा क्या हो जाएगा रो जी एच टू, है ना पी इजकल टू डब्ल्यू इंटू स्पेसिफिक वेट क्या होता है रो जी इंटू हेड एच टू। ठीक है, क्या होता है प्रेशर हेड इजकल टू पी अपॉन डब्ल्यू होता है, इसलिए पी इजकल टू क्या हो जाएगा एच इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इजकल टू होता है रो जी। ठीक है, इस तरह अब क्या होता है दोनों का प्रेशर इक्वेटिंग कर देंगे तो पी प्लस मतलब लेफ्ट लिम्ब पे और राइट लिम्ब पे दोनों इक्वल कर दिए, अब क्या होता है पी इजकल टू निकालना है तो ये इस तरह आ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, इस तरह एक क्वेश्चन बनेगी। इस पर बेस न्यूमेरिकल है, पहले मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ फिर वैक्यूम प्रेशर का बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया पहले क्वेश्चन समझ लें, जैसे लिखा है द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू द एटमोस्फेरिक जो जो कंटेनिंग मरकरी टू द एटमोस्फेरिक व्हाइल द लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू अ पाइप, लेफ्ट लिम्ब है कैसे पाइप से कनेक्टेड है इन विच अ फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो एक फ्लूड है उसमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 0.9 इज फ्लोइंग, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द मरकरी इन द राइट लिम्ब, है ना जो राइट लिम्ब पे बात कर रहा है देखो इसको समझ लें, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर द लेवल ऑफ द मरकरी इन द राइट लिम्ब, राइट लिम्ब पे बात कर रहा है ऊपर से कहां से सेंटर ऑफ द पाइप, यहां का सेंटर दिख रहा है पाइप का, इस सेंटर पाइप से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 12 बिलो लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम्ब, फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूड पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब्स इज 20 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक का डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल, ठीक है इनका डिफरेंस कितना दिया 20 सेंटीमीटर, मतलब टोटल जो मरकरी है वो इसका कितना दिया 20 सेंटीमीटर, तो ये डायग्राम इस तरह बना लें आप मैनोमीटर्स का, और जब भी इस तरह दिया है इस सेंटर से तो ऊपर की होती है, और अगर उसने लेफ्ट लिम्ब की डिस्टेंस दी है सेंटर से बैलेंसिंग तक तो इस तरफ की हो जाएगी, इसको एच वन बोलते हैं इसको एच टू बोलते हैं, तो अगर ये एच टू दिए 20 सेंटीमीटर और यहाँ से सेंटर से ऊपर 12 दिया है तो इसमें से इसको माइनस करके अपन क्या यहाँ एच वन निकालेंगे, क्योंकि टोटल दी है और ये इतनी दी है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ एच वन आ जाएगी। अब देख लेते हैं सबसे पहले गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, है ना क्या बोला एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर दिया, तो फ्लूड और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 0.9, अपन डेंसिटी ऑफ फ्लूड की निकालना है तो क्या अपन जैसे बताया था 0.9 जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें 1000 का इंटू करेंगे तो डेंसिटी बन जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना जैसे लिखा मरकरी दी है तो मरकरी की अपन जानते हैं कितनी होती है 13.6 क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसको भी डेंसिटी में चेंज करना तो क्या हो जाएगी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी में इंटू कर देंगे 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो इसको 1000 इंटू कर दिया केजी पर क्यूबिक मीटर, तो ये रो टू निकल आया किसके लिए मरकरी के लिए। अब डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल कितना दिया H2 दिया 20 सेंटीमीटर, अब जब ये सब मीटर में है तो अपन को इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा ये सेंटीमीटर दिया तो इसका इसमें 100 का भाग दे देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। इस तरह हाइट ऑफ द लिक्विड ए, अब इस तरफ की हाइट देखेंगे तो हमने बताया इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ द इस तरफ की होगी तो 20 - 12 तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया कि 100 से भाग देकर 0.08 मीटर हो गया। अब अपन जानते हैं ऐसा फॉर्मूले से कि लेफ्ट लिम्ब
का प्रेशर इज इक्वल टू राइट लिम्ब का, लेफ्ट लिम्ब का मतलब यहाँ पर प्रेशर निकालना, तो पी प्लस रो जी एच वन इक्वल टू रो जी एच टू, जैसा कि यहाँ पर लिखा पी प्लस रोवन जी एच वन इक्वल टू रो जी एच टू, ठीक है। पी की जगह पी रख दिया, रोवन की वैल्यू ए वाली उठा के यहाँ रख दी, प्लस जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.81 है जो कि मीटर में रख रहे हैं, एच वन की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो ये रख दी। इस तरह रो टू की वैल्यू कौन सी है, ये है जो मरकरी के लिए निकाली थी, है ना, ये पूरी लिख दी 13.61000 लिख दी, इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू 0.2 कौन सी जो हमारी एच टू है। अब इसको पी इक्वल टू निकालना, तो ये सारी वैल्यू इस तरह आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी 13.61000 इंटू 9.81 इंटू 0.2 और ये वैल्यू इस तरह पूरी आ गई, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके इसको इसमें से इसको कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करके एक दूसरे से घटाना है, इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई, इसको कैलकुलेट किया तो ये वाली वैल्यू आई, इसमें से इसको घटा दिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको किलो न्यूटन पर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, अब कई बार क्या न्यूमेरिकल में रहता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करो, तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये तो अगर दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना, नहीं तो यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाल के रख देना। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल था, अब मैं बताता हूँ दूसरा वाला। दूसरी बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की, जिसको अपन क्या करेंगे नीचे एटमोसफेयर से नीचे का जब अपन को प्रेशर मेजर करना हो तो अपन यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो इसमें दिख रहा है आपको जैसे मरकरी भरी हुई है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसका प्रेशर मेजर करना। अब इसमें ये तो ओपन है, ठीक है, तो अपन जो ये बैलेंसिंग लिक्विड कहाँ पर है, ये लाइन ए क्या बैलेंसिंग क्या डेटम लाइन मानी, तो यहाँ से जो मरकरी भरी हुई इसकी जो हाइट मानी एच टू है, और यहाँ से जो वाटर है इसके सेंटर से उसकी हाइट मानी मैंने एच वन, दोनों अलग अलग लिक्विड है, दोनों की अलग अलग हाइट मान ली है, ठीक है। अब इसका प्रेशर कैसे निकालेंगे, जो इस तरफ का है इस तरफ का जो प्रेशर होगा वो तो जीरो है, लेकिन इस तरफ का क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर प्लस ए वाला जो लिक्विड है एच वन इसका प्रेशर प्लस ए मरकरी का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी प्लस रोजी एच वन प्लस रोजी एच टू इक्वल टू जीरो, है ना। जो रोजी एच वन रोजी एच टू हम बता चुके हैं, प्रेशर की जगह क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर हेड एच इक्वल टू पी अपॉन डब्ल्यू होता है, तो पी इक्वल टू निकालेंगे पी इक्वल टू एच इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू हम जानते हैं स्पेसिफिक वेट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जो रो इंटू जी, तो अपन ने यहाँ पर क्या डब्ल्यू की जगह रोजी रख जाएंगे तो क्या हो जाएगा रोजी एच हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका रोजी एच वन और रोजी एच टू हो जाएगा। अब नीचे जो कंसिडरेशन हम सेम यही करेंगे और जो हमारी डेंसिटी है वो इसी तरह निकालेंगे 1000 इंटू करके, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की दी रहती है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, जो मैंने अभी बताया वही वाला फॉर्मूला है, ऐसा देख लिखा है एज द प्रेशर एज द सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस हेंस प्रेशर अबव द हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन ए इन द लेफ्ट कॉलम एंड द राइट कॉलम, मतलब लेफ्ट और राइट कॉलम दोनों इक्वल रख देंगे, है शुड बी सेम। देखिए प्रेशर अबव ए लाइन इन द लेफ्ट कॉलम क्या हो जाएगा, पी प्लस रो वन इंटू जी प्लस एच वन, जैसा मैंने बताया प्रेशर अबव ए इन द राइट लिम्ब क्या हो जाएगा रो टू इंटू जी इंटू एच टू, ठीक है, हेंस इक्विटिंग द टू प्रेशर, दोनों प्रेशर को इक्विटिंग कर दिया, सॉरी ए वाला देखते हैं, है ना, वो गलत बता दिया, वैक्यूम प्रेशर देखना मैं तो वो मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर का बताने लगा था, ये है ना उसको भूल जाए, अब ये वैक्यूम प्रेशर का देखें क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। देखो फॉर मेजरिंग वैक्यूम प्रेशर द लेवल ऑफ द हैवी लिक्विड इन द मैनोमीटर, जो डायग्राम में दिखाया था प्रेशर अबव ए लाइन इन द लेफ्ट लिम्ब क्या हो जाएगा, जैसे मैं बताया था पी पी रो वन जी वन एच वन और रो टू जी एच टू, रो इसको प्रेशर ना समझे, ये डेंसिटी का सिंबल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये प्रेशर पी प्रेशर जो मेजर करना है। तो अब क्या करते हैं प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब अबव ए लाइन, तो अब हम जैसे हमने बताया था ये दोनों इक्वल टू जीरो क्योंकि दूसरे एटमॉस्फेयर प्रेशर जीरो है। अब पी इक्वल टू निकालना, तो ये पूरी वैल्यू दूसरे तरफ कैसी हो जाएगी माइनस की, पी इक्वल टू माइनस ये पूरा ब्रैकेट में या उसको ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, नहीं तो ब्रैकेट में रख के रो टू जी एच टू प्लस रो वन जी एच टू। अब इसका न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, जैसे लिखा अ सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज कनेक्टेड टू अ पाइप, एक सिंपल जो मैनोमीटर है वो एक पाइप से कनेक्टेड है, उसमें क्या मरकरी भरी हुई है, इन विच अ फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो उसका फ्लूड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दी है, एंड हैविंग वैक्यूम प्रेशर इज फ्लोइंग, उसमें वैक्यूम प्रेशर फ्लो हो रहा है, द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू द एटमोसफेयर, ओपन एटमोसफेयर में ओपन है, फाइंड द वैक्यूम प्रेशर, कौन सा प्रेशर मेजर करना, वैक्यूम प्रेशर याद रखना, वैक्यूम प्रेशर का मेज करना, डायग्राम ऐसा बनेगा इस तरफ का पूरा खाली रहता है, इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्स इज 40, ठीक है, इज 40 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द फ्लूड इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 20 सेंटीमीटर, वो कह रहा है जो फ्लूड का लिक्विड का जो डिफरेंस है
वो कितना दिया 40 सेंटीमीटर। क्या है डिफरेंस मर्करी लेवल इन द टू लिम्स इज सेंटीमीटर, इधर इस तरफ की दिख रही ना, इसके हिसाब से देखेंगे तो कितना होगा 40 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट लिम्प फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप 15 सेंटीमीटर बिलो, ये सेंटर ऑफ द पाइप इससे 15 सेंटीमीटर बिलो, बिलो मतलब नीचे, तो नीचे कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर और जो डिफरेंस दिया वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर, मतलब ये H1 हो गई ये H2 हो गई। तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें एक दो बार बना के, बुक से देख लें जिससे आपको क्लियर हो जाए कैसे डायग्राम बना, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद इजी हो जाता है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है S1 0.81, इसमें 1000 का इनटू कर देंगे तो रो 1 हो जाएगा। इस तरह मरकरी की हम जानते हैं 13.6 होती है, इसमें 1000 का इनटू कर देंगे तो हो जाएगी रो 2। इस तरह यहाँ पर देखो दिख रही है रो 1 लिखा है, इसमें हम जब 1000 का इनटू कर दिया तो हो जाएगा 800 केजी पर क्यूबिक मीटर। इस तरह 13.6 में 1000 का इनटू कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल H2 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है तो जब इन दोनों को अपन किस में ले रहा है केजी पर क्यूबिक मीटर में ले रहा है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 100 से भाग दे दिया 0.4 मीटर हो गया। हाइट ऑफ द लिक्विड इन लेफ्ट लिम्प, ठीक है H1 इक्वल टू क्या 15 सेंटीमीटर दिया तो इसको भी मीटर में चेंज कर लिया, क्या होगा 0.15, 100 से भाग दे दिया 0.15 मीटर। लेट द प्रेशर इन पाइप पी इक्विटिंग द, अब अपन जो इक्वेशन है अपन जानते हैं जो अभी ऊपर बताया था वो रो 2 GH2 प्लस रो 1 GH1 प्लस पी, तो याद रखें ये वैक्यूम का था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो आप डायग्राम दोनों याद रखें और जिस तरह क्वेश्चन देता है उस तरह अपन हाइट को देख लें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बनाना आ जाएगा। अब सिर्फ वैल्यू रखना है, हमें जो वैल्यू ऊपर थी तो माइनस जो पी एक्साइट किया इन दोनों इस सबको इधर ले गया तो माइनस हो गया, सबकी वैल्यू पुट कर दी जो मैंने अभी बताई, जी की वैल्यू 9.8 होती है, एच की वैल्यू सबकी वैल्यू पुट करके इसको बस कैलकुलेट करना, माइनस ए आ गया वैक्यूम प्रेशर क्योंकि नीचे होता है एटमॉस्फेयर के तो इसलिए वो माइनस आता है, पहचान होगी वैक्यूम प्रेशर की माइनस आया है ना। अब इसमें क्या हमें सेंटीमीटर में, लेकिन अपन को क्या इसको अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है तो अपन 1000 का भाग दे देंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थे, आज का वीडियो था जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है फॉर्मूला और डायग्राम उसके साथ न्यूमेरिकल, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वैक्यूम और इसके यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर के, सिर्फ हाइट का डिफरेंस रहता है, तो हाइट का एक बार आप एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ H1 H2 में कन्फ्यूजन होगी, रो 1 रो 2 में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वाटर दिया तो उसकी 1 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें सीधा मतलब रो 1 जो वाटर होगा उसकी जो डेंसिटी हो जाएगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके साथ मरकरी दी है तो 13.6 में 1000 का इनटू कर देंगे वो हो जाएगी 13600 केजी पर क्यूबिक मीटर। इस तरह डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप उनको कर सकते हैं। तो फ्रेंड पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को भी बताएं और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।